तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए टारगेट बैच मतलब कि DBZD टारगेट रहेगा आपका और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाला है। मतलब सीधा सीधा बात करें तो एग्जाम नंबर 2 जो होने वाला है आपका साइंस और जीके का यहाँ पे कराया जाएगा, जिसमें साइंस के आपको पता है आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, तो टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराया जाएगा, 15 क्वेश्चन ऑलरेडी। और ये 15 क्वेश्चन सिर्फ नाम के हैं, मतलब कि नाम का इसलिए मतलब है क्योंकि एक क्वेश्चन से जो भी ऑप्शन होते हैं उससे क्लियर करते चलते हैं, तो ये लगभग रोज 30 से 40 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन में डाउट बना रहेगा या फिर कंफ्यूजन रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मतलब कि ये पूरा जब तक एग्जाम तक आपका ये कंटिन्यू रहेगा सीरीज, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। एंड इस सीरीज के बाद आपको कोई भी जीके या साइंस का एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, पढ़ो वही जो एग्जाम है बस, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है साइंस जीके के लिए। ओके, पर डे 4 बजे। ओके, तो आ जाना है टाइम से, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चले लेके चलते हैं और आपको डायरेक्ट आपके कहाँ पे क्वेश्चन पे। ओके, तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन कर रही हो कमेंट सेक्शन में आज कीजिए, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और बताऊँगा, अगर परीक्षा ऐप पर टेस्ट बाई करना चाहते हैं तो PRM50 कोड यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, PRM50 कोड यूज़ कीजिएगा, 50% डिस्काउंट हो जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट बाई कर सकते हैं और 1 साल तक आपको वैलिडिटी मिलेगा 1 ईयर का, आराम से आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी आप उसमें मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कल हमने Part 1 डिस्कस कर लिया था, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जरूर उसका चेक कर लीजिएगा। Part 2 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे और सामान्य ज्ञान, पहले हम जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका डिस्कस क्या चीज़ करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे साइंस को। ओके, तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइस हॉकी का खेल परिसर है, मतलब कि सीधा सीधा आइस हॉकी कहाँ पर खेला जाता है, किस स्थान पर जो खेला जाता है ना, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं कहाँ पर खेलते हैं, वो हम पिच पे खेलते हैं, क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं उसको पिच बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है कि हम लोग जो यहाँ पे आइस हॉकी जो खेला जाता है वो उस जहाँ पे भी खेला जाता है, जिस स्थान पे खेला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ऑप्शन ए में दे रखा है रिंक, बी में डायमंड, सी बोर्ड एंड डी दे रखा है फील्ड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, A, B, C एंड D। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। मैं राइट आंसर दे देता हूँ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि रिंक। रिंक पे एक और गेम खेला जाता है, एक तो आइस हॉकी और एक होता है आपका बात करें तो एक और चीज़ है होता है कर्लिंग, इसे बोलते हैं, तो ये कर्लिंग टाइप, हाँ कर्लिंग राइट। डायमंड की बात कर ले तो डायमंड पे आपके क्या होता है, डायमंड पे आपका जो बेसबॉल होता है वो बेसबॉल के परिसर को क्या कहते हैं, कहते हैं डायमंड राइट। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड आपको पता होगा टेबल टेनिस, आपको ध्यान रखना है टेबल टेनिस राइट। और फील्ड बात कर ले तो फील्ड पे क्या क्या खेला जाता है, तो फील्ड पे 2-3 चीज़ें खेला जाता है, फील्ड पे एक तो होता है पोलो और उसके बाद पोलो होता है आपका, फुटबॉल होता है फील्ड पे ही होता है, फुटबॉल पोलो और एक होता है हॉकी। तो ये नोट कर लीजिए, बाकी इसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है ट्रिक के माध्यम से, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जीके का खेल खत्म, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से किसी ना किसी शिफ्ट में दिख जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसेशन कैसा लग रहा है एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड चैनल फर्स्ट टाइम जुड़ गया सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी का उपनाम है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, बी है सौरभ गांगुली, सी है माइकल फेल्प्स और डी है विश्वनाथ आनंद। विच ऑप्शन इज करेक्ट, A, B, C एंड D। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर दे देता हूं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है तो सभी को मेरे ख्याल से पता होगा ये क्वेश्चन, तो वो है सौरभ गांगुली, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं द वॉल के नाम से, द वॉल राइट, वॉल के नाम से। ओके, द वॉल। ओके, जैसे हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, उसी तरह माइकल फेल्प्स जो है उसको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना, माइकल फेल्प्स जो है वो फ्लाइंग फिश के नाम से जाने जाते हैं, फ्लाइंग फिश के नाम से जाने जाते हैं। ओके, अगर विश्वनाथ आनंद की बात कर ले तो विश्वनाथ आनंद इसको इनको जाना जाता है लाइटनिंग किंग के नाम से राइट, लाइटनिंग किंग के नाम से, लाइटनिंग किंग। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यही है। और बाकी अगर जैसे कि शोएब अख्तर जानते होंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से, मिल्खा सिंह की बात कर ले तो आप जानते होंगे मिल्खा सिंह किसके नाम से, फ्लाइंग सिख के नाम से। पीटी उषा आप जानते होंगे, पीटी उषा किससे हैं, पीटी अगर पीटी उषा की बात कर ले तो उरन परी के नाम से,
इनका उपनाम है। अगर बात कर ले आपका मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है हॉकी के जादूगर। ओके, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। तो ये सब आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मैंने डिस्कस किया, और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो फटाफट एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहेगा। तभी द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित, मतलब किस खेल से संबंधित नहीं है, मतलब कि किस से किस पुरस्कार, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरण होता है, ओके, तो वो किस से संबंधित है, मतलब कि किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र से, बी है विज्ञान के क्षेत्र में, सी है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और डी देखा है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। तो द्रोणाचार्य, ये तो ऐसे ही, अगर थोड़ा सा भी माइंड यूज़ कीजिएगा, दिमाग यूज़ कीजिएगा, तो फटाक से आंसर इसका दे दीजिएगा। चलिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो सीधा सीधा आपको पता होगा अगर आपने देखा हो तो, चाहे द्रोणाचार्य गुरु थे, तो गुरु किसी तो खेल प्रशिक्षण ही, मतलब कि प्रशिक्षण ही करेंगे, किस चीज़ सिखाएंगे ही, तीर धनुष बाण आप जानते हैं सिखाते थे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उनसे ये रिलेट करके वो खेल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब सिखाना होता, राइट। और खेलों में सराहनीय प्रदर्शन ये दूसरा चीज़ है, विज्ञान के क्षेत्र में आपका दूसरा चीज़ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बात कर ले विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में आपका जो होता है ना, एक होता है पुरस्कार भटनागर, भटनागर पुरस्कार होता है, राइट, भटनागर पुरस्कार, तो ये नोट कर सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार आ जाते हैं, जैसे कि आपका साहित्य के क्षेत्र में आता है एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आ जाता है, सरस्वती सम्मान भी आता है, तो ये कई सारे हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान भी आता है, राइट। तो ये है, अगर बात करें खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, अगर अच्छा खासा आपका प्रदर्शन रहता है तो उसमें आपको दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है सराहनीय प्रदर्शन के लिए। क्या राजीव गांधी, बात सुनिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, वो हो सकता है गलती लिखा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, अच्छा खासा आपने अगर प्रदर्शन किया है किसी भी खेल में। तो चलिए चलें क्वेश्चन नंबर फोर पे, एंड क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्थान है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्थान है जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ऑप्शन ए में दे रखा है पवनार, बी में दे रखा है कुंडा ग्राम, सी में जीरा दही, और डी में दे रखा है कटक। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ओके, सबसे पहले कौन बताता है। चलिए तो सबसे पहले कौन बताता है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, विच ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए तो मैं बता दूं, सुभाष चंद्र बोस जो है वो किस स्थान से संबंधित है, वो है कटक से संबंधित, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पवनार की बात कर ले तो पवनार से विनोबा भावे से संबंधित है, किससे, विनोबा भावे से, जो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना वो भी लिखते चलेगा, विनोबा भावे, ओके। अगर कुंडाग्राम की बात कर ले तो कुंडाग्राम महावीर जी से संबंधित है, महावीर श्री से संबंधित है। जीरादेही की बात कर ले तो जीरादेही जो भी बिहार से होगा उसको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वहीं से थे, तो इनसे संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन को रिलेट करना है। जैसे कि और भी मैं बता दूँ आपको, जैसे जैसे कि आपका कपिल वस्तु किससे संबंधित है, कपिल वस्तु एक बार कमेंट सेक्शन बताइए कौन राइट आंसर देता है कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु गौतम बुद्ध से, राइट, गौतम बुद्ध से संबंधित है, किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से। एक और चीज़ है कुशीनगर वो भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा में जो भी लिखवाया जा रहा है नोट करते चलिएगा, एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्लासेस अपडेट आपको मिलता रहे। मिजोरम दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 20 फरवरी, बी दे रखा है 6 फरवरी, सी दे रखा है 24 जनवरी, एंड डी दे रखा है 22 मार्च। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि मिजोरम दिवस जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो मैं बता दूँ, मिजोरम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, वो होता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, एक और राज्य दिवस, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश दिवस, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश दिवस। और इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। 6 फरवरी अगर बात कर ले तो 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है। अगर 24 जनवरी की बात कर ले तो ये यूपी डे, मतलब कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, राइट। अगर बात कर ले 22 मार्च की, तो मेरे ख्याल से ये सभी को बताना चाहिए जो भी बिहार से हैं, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट करते चलिएगा, जो भी बताते चल रहे हैं क्वेश्चन को वो नोट करते चलिएगा, ओके।
चलेंगे। एंड एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया लाइक शेयर करिए तो फटाफट लाइक शेयर कीजिए। 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो, इससे देख रहे हैं ना सारे ऑप्शन से क्लियर करते चल रहे, लगभग ये आपके 20-25 क्वेश्चन से कम नहीं कराए हैं मैंने, अगर जी के 5 क्वेश्चन समझे तो इसको। ओके चले चलेंगे साइंस पे। और साइंस एक बार बताया, लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बता दीजिएगा मेरा इतना सही है इतना सही है जरूर बताइएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है फॉलिक अम्ल, यहाँ पे अम्ल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में तो थोड़ा सा ध्यान। अम्ल की गोली खाने की सलाह दी जाती है और आपको बताना है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि जो फॉलिक अम्ल होता है उसकी गोली खाने की सलाह दी जाती है। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके चलिए ऑप्शन ये दे रखा है वर्धता में, बी जनन शक्ति क्षय की स्थिति में, सी में दे रखा है एनीमिया में, एंड डी में दे रखा है हेपेटाइटिस बी से। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो मैं आपका राइट आंसर दे दूँ यहाँ पे, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिया जाता है किसमें दिया जाता है, आपका एनीमिया में, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए चलेंगे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और आगे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर चलेंगे 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कमानी में संचित ऊर्जा है। कमानी आप समझते हैं, कमानी कोई समझता है तो एक बार बताइए, अदरवाइज नहीं समझते हैं तो वो भी बताइए। कमानी में जो ऊर्जा संचित होता है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, और आपको पता है साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाएगा। ओके तो कमानी में संचित ऊर्जा क्या होता है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्थितिज ऊर्जा, बी में दे रखा है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और सी में दोनों, एंड डी में दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से मतलब कि कोई भी नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका कि कमानी में जो ऊर्जा संचित होता है वो कौन सा होता है। चलिए तो राइट आंसर कौन देता है भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा वो होता है कमानी में जो ऊर्जा स्थित रहता है संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा जो है वो संचित रहता है स्टोर रहता है। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके और स्थिति ऊर्जा मतलब स्थित, और गति ऊर्जा मतलब काइनेटिक मतलब गति कर रहा है, उस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं पर डिफिनेशन अगर दे इसका। तो चलेंगे 3 पे, दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है किससे। ऑप्शन ए में दे रखा है चार्ल्स के नियम से, बी में दे रखा है न्यूटन के नियम से, सी में दे रखा है पास्कल के नियम से, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। ओके तो मैं आपको बता दूं जो दाब का संचरण का, अगर थोड़ा सा भी माइंड यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़ा है आपने तो आपको पता होना चाहिए कि दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है किसके किस नियम से, वो होता है पास्कल नियम से, राइट। क्योंकि दाब का क्या होता है पास्कल ही तो होता है, तो उससे पास्कल नियम से अलग से डायरेक्ट हिट कीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट शेयर लाइक कर दीजिए नहीं किया है अभी तक तो। ओके क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 42 कैलोरी प्रति ग्राम, बी में दे रखा है 980 कैलोरी प्रति ग्राम, डी सी में दे रखा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, एंड डी में दे रखा है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का राइट आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर इसका देता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा, बर्फ़ का जो गलन का गुप्त ऊष्मा होता है वो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाफट चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है, तो प्रिज्म का विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है किस रंग में होता है वो आपको बताना है, राइट। ओके बैगनी रंग का, बी में दे रखा है लाल रंग का, सी में आसमानी रंग का, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ, तो सबसे कम विचलन जो होता है वो किसमें होता है, किसमें होता है भाई साहब, चलिए तो ये होता है आपका लाल रंग में सबसे कम विचलन होता है, राइट। इसीलिए आपको पता है ना रेड, जब भी आपको देखिएगा सड़क वगैरह पे लाल कलर इसलिए इस्तेमाल किया जाए, दूर से भी सही दिखाई देगा, ये सबसे कम विचलित होता है, दूर से भी लाल ही दिखाई दे, ऑल कलर आपको हरा हो काला दिखाई दे दे इस तरीके से हो सकता है, लेकिन लाल आपको लाल ही दिखाई देगा। ओके तो इसको अगर देखा जाए तो विबग्योर आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ओके विबग्योर इससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो R का यहाँ इधर जाइएगा तो विचलन कम, और इधर आपका बढ़ेगा, इधर आपका कम होगा विचलन, इधर आपका बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर विचलन पूछा जाए तो V का हो जाएगा विबग्योर। ओके ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर तरंग धैर्य की बात कर ले तो इधर बढ़ेगा,
तो मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर करते चलना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, और क्वेश्चन नंबर सिक्स में दे रखा है टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, कौन सा जीवाणु मतलब कि उत्तरदायी है, टाइफाइड रोग जो होता है उसमें कौन सा इसमें उत्तरदायी होता है जीवाणु। ऑप्शन ए में दे रखा है डिप्लोकोकस, बी में दे रखा है गोनोकोकस, सी में दे रखा है इबथेल टाइफोसा, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है डिप्लोकोकस, गोनोकोकस, इबर्थेल टाइफोसा, एंड इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं राइट आंसर कौन देता है, सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जो जीवाणु है वो कौन सा हो जाएगा, इबर्थेल टाइफोसा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नोट करते चलिएगा जो भी बच्चे बैच से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि बैच वाले बच्चों को फ्री में मिलेगा। हाँ, अगर पीडीएफ टेलीग्राम पे चाहते हैं तो वीडियो पे आपको लाइक 100 करना होगा, 100 लाइक होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, चलिए बाकी बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है 7563830146 पे। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारा दे रखा है कि सबसे छोटा बीज होता है, किसका सबसे छोटा बीज होता है वो आपको बताना है। और चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, सबसे छोटा बीज जो होता है वो किसका होता है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लोडोसिया का, और बी में दे रखा है कुल्फिया का, सी में लेमना का, एंड डी में दे रखा है आर्किड का। ओके, तो सबसे छोटा बीज किसका होता है, लोडोसिया का, कुल्फिया का, लेमना का, आर्किड का, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, सबसे छोटा बीज किसका होता है। तो आपको बता दूं सबसे छोटा बीज जो होता है वो होता है आर्किड का, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना लास्ट में स्कोर बताते चलेगा। ओके, अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताएगा कि मेरे 15 में से कितने आंसर सही आ रहे हैं। राइट, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आठ पे। एंड क्वेश्चन नंबर एट में दे रखा है हमारा कि मलेरिया जो रोग है उससे प्रभावित अंग कौन सा है, मलेरिया रोग जो होता है उससे प्रभावित अंग कौन सा है आपको बताना है। और ऑप्शन आपका दे रखा है यकृत, बी फेफड़ा, सी छोटी आंत, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है कौन सा रोग, मतलब कि अंग है मलेरिया रोग से प्रभावित वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित है, बताइए सबसे पहले, देखते हैं कौन बताता है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, जो कि ऑप्शन ए में आपका दे रखा है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई सर, लीवर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पे। एंड क्वेश्चन नंबर नाइन में दे रखा है पानी में घुलनशील विटामिन है, आपको बताना है पानी में घुलनशील विटामिन। विटामिन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए। जीके का खेल खत्म सीरीज 6-7 को वीडियो बनाया है, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर देखिएगा उसको। पानी में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन ए में दे रखा है विटामिन बी, ऑप्शन दे रखा है बी विटामिन सी, सी में दे रखा है दोनों, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है। ओके, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो है आपका विटामिन बी। राइट भाई साहब, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम आंसर हमारा जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो फटाफट शेयर भी कर दीजिए। अल्मोनियम सल्फेट का उपयोग होता है, किस चीज़ में अल्मोनियम सल्फेट का होता है उपयोग वो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, कागज उद्योग में, बी कपड़ों की छपाई में, सी आग बुझाने में। तो चलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, मतलब कि एक ऑप्शन और देना चाहूँगा, एक ऑप्शन ई में आप लिख लीजिए, ई में ऑप्शन एक और लिख लीजिए कि मतलब कि ऑल ऑफ दीज, मतलब इसमें से सभी। चलिए ई एक ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कागज उद्योग में, कपड़े की छपाई में, आग बुझाने में, डी इनमें से कोई नहीं, या फिर ई ऑप्शन होगा ऑल। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर इसका कौन देता है कि अल्मोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है और किस में किया जाता है आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो मैं आपको बता दूँ, तब तक के लिए लाइक शेयर कर दीजिए नहीं किया है आपने तो, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि सभी इसमें से ये
तीनों ही सही आंसर है आपके। यहाँ पे ऑप्शन गलती था थोड़ा सा, मैंने चेंज किया और ऑल आंसर इसका टिक कीजिएगा। ओके चलिए, ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिए, सेशन कैसा रहा। और डीबीजीडी के लिए चल रहा है तो फटाफट पर डे आपको आ जाना है, थोड़ा सा लेट हुआ बट 4 बजे आपको आ जाना है। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। साइंस और जीके की बात कर रहे हैं, बाकी आप इंग्लिश का टेंशन ना लीजिए। इंग्लिश का आप कहिएगा तो मैं करा दूंगा, बस आपका सपोर्ट आना चाहिए। ओके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोस्ट गार्ड मतलब प्रमजित क्लासेस होता है, नहीं पता है तो 2-3 दिन जुड़िए, आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। आप वीडियो जाकर चेकआउट कीजिए प्रीवियस ईयर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, एंड स्कोर अपना ज़रूर बता दीजिए, लाइव चैट में नहीं कॉमेंट बॉक्स में बताना है। राइट, चले।